गाइस अभी चलते हैं भाई हम सीधा वो बंदर कहाँ गया उदयपुर और फिर वहां से हमें किशनगढ़ भी तो जाना है ना, तो किशनगढ़ जाएंगे सीधा और वहां पे भाई 2-2.5 घंटा हमें ना मतलब ट्रैवलिंग में। ये गुड़गांव का रास्ता कहाँ से है? ये देखो कहाँ से आ रहे भाई, गुड़गांव का रास्ता देखो यहाँ से जो दीवार दिख रही है ना यहाँ से आगे जाके लेफ्ट ले। तो भाई हो गया है 1.5 लाख का फायदा, ऐसे आसानी से कमाते हैं फोन। ओके बाय बाय गुड नाइट। वेलकम बैक टू अवर न्यू व्लॉग। तो गाइस सुबह के बज रहे 8 और भाई मैं नहा लिया हूँ, ये सब नहीं नहाए हैं, ये कोई भी नहीं नहाया है तीनों में से, मैं नहा लिया हूँ। देख रहे हो पानी भी है अभी तो गाड़ी में, सबूत है सबूत लेके रखता हूँ। अरे देख लो भाई, हाय गाइस 11 बज रहे हैं। ए झूठा आदमी, देख रहे दरोगा साहब भी झूठ बोलते, देख लो ये वही है। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम भाई ब्रेकफास्ट करने के लिए नीचे। वो चाबी भाई यार कितना बढ़िया आदमी हूँ मैं, निकाले लॉक लगा दी भाई। तो अभी चलते भाई नीचे ब्रेकफास्ट करेंगे और फिर आज कल हम गए थे रणथंभौर, ठीक है, वहाँ से घूम के आया भाई, वहाँ मज़ा तो बहुत आया पर एक भी टाइगर नहीं मिला, एक भी 80 टाइगर है उसमें और एक भी नहीं मिला, क्योंकि वो बता रहे थे, कह रहे जो और जोन है ना वो उसमें डिवाइड कर रखे हैं, जो जिस जोन में हम घुमाते हैं ना वो एक जोन है उसमें 4 टाइगर है बस। अब देख लो अब 76 टाइगर अलग जोन में, तो कह रहे हैं वहां हम घुमाते नहीं है किसी को भी नहीं घुमाते। रीजन ये है कि वहां पे जो टाइगर है वे सारे परेशान होते हैं भाई, गाड़ी आती सब चलते हैं इधर उधर जाते हैं तो टाइगर परेशान होते हैं, ढंग से रह नहीं पाते हैं। तो ये भी ठीक है यार, उनके लिए उनकी भी तो लाइफ है, हम आके परेशान करते हैं वो चीज़ बेकार है। तो कह रहे हैं हमने इस जोन में 4 टाइगर छोड़ रखे हैं, अगर दिख गए तो किस्मत है, नहीं दिखे तो भी किस्मत है, तो कोई नहीं। आज है 7 घंटे की ड्राइव उदयपुर के लिए और भाई बढ़िया मज़ा आ रहा है। कल हमारी गाड़ियाँ चली है 180, 190, 200 और भाई मैंने चलाई अकेले ने 120। मैं यार इतनी रैश ड्राइविंग करता नहीं है, मैं सिंपल ड्राइविंग करता हूँ बस, 120-110 स्पीड की नॉर्मल। और आपको बाहर दिखाता हूँ क्या बढ़िया चीज़ क्या बना रहा है, मटका बना रहा है देखो भाई, ये मटका बना रहा है भाई। क्या बना रहे हो? अच्छा खुद भी बना सकते हैं, पहले खाना खा जाते फिर बनाएंगे। इसके अंदर क्या है? सांबर। अभी भी यू वांट सांबर? व्हाट इज दिस? चिढ़ती है तुम मुझसे? ये नीशू का खाना है भाई, देख लो आप, नीशू लेके आ रहा है घाल के। चलो यही खा लेते, जब नीशू लेके आई इतने प्यार से मेरी बहना। भाई हमारे घर की जो लड़कियां है ना वो बड़ा सेफ रहती है, पता कैसे? 209 नंबर की चाबी जो है ना, नहीं 210 नंबर की चाबी मेरे को दे दी, ये 210 नंबर की चाबी 211 में रखी है, 211 की 212 में, 212 की 213 में, और 209 की तो पता ही नहीं है चाबी कहाँ है। अब ढूंढ रहे हैं बैठ के यार, ये इनके इनके काम है, ये 210 की है बहन। अरे इनसे तो खोल दिया मैंने सारे कमरे, क्योंकि जो चाबी तुमने मेरे को दी वो इनमें भी है, देख रहे हो? तो ये सारी बसें आ रही हैं वहां से, पूछा शेर मिलो शेर इनका, ये खुद ये नु कहेंगे चलात रहे हो आप, ऋतु कहाँ आ गए हम भाई, बड़ा परेशान रहता है। और गाइस हम पहुंच गए भाई ऊपर है गणेश जी का मंदिर, ये रणथंभौर में ही है यार, और ऊपर देखो बंदर कहाँ चढ़ रहे, देखो। अरे शिट गलत दिखाया तुम लोगों को, ये जो गेट है ना भाई 80s के टाइम का गेट है,
और बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये गणेश जी का, और हमें वहां जाना। देखो ऊपर, इतनी ऊपर जाना है। देखो अभी हम यहाँ पे हैं, नवलखा पोल। ये देखो नीचे तो हार गई है, तीन सीढ़ी के चढ़ी है तो हार ही गई पहले। घोड़ा घोड़ा मंगवाऊ है चढ़वाने के लिए, क्रेन मंगवाऊ? एक अरे भैया हमारे भाभी भी ना, हाँ इन एक केला और एक पपीता से ना पूरी सीढ़ी चढ़ जाएंगे। और हाँपने लगी अभी से ही है ना, वो तो पता ही था मुझे। क्या कहना चाहती हो, मेकअप की दुकान? मैं आ चुकी हूं और मैं थक गई हूं। तेरी की सब थक गए, तरुण भाई भी बोल गया भाई। हाँ ये ठीक था बाबूजी। क्या बोलते बोलते बोकला वो हपलाना जाओ थोड़ा सा आदमी नू कर रहे तरुण भाई। एक सांस में भगा हुए ले जाऊंगा। और अभी तो देखो ऐसे घूम के ऐसे जाना है पूरा ऊपर तक पूरा भगा हुआ भाई। आवाज तो आपको आएगी होगी ऊपर तक, अकेला एक सांस में भगा ले जाऊंगा। एक सांस में बोला नहीं जा रहा ढंग से। हमारे अंकल रेस्ट कर रहे हैं। ये भाई पढ़ लेना, मैंने पूरा पढ़ा नहीं है, आप लोग पढ़ लेना। कब का है? सन 1280 से 1301, मतलब एक राजा ने नहीं बनाया, अलग अलग राजा ने बना के तैयार करा। ये देखो भाई फाइनली पहुंच गए। और अब ऐसा लग रहा है कि लाइफ में ना पिज्जा वगैरह, पिज्जा बर्गर ना हो ना तो ही बढ़िया है, स्टेमिना भी जरूरी है ना मम्मी। पिज्जा बर्गर रात से बंद है ना बाबूजी, सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? हम तो खाते नहीं। जब भी तो आप जल्दी पहुंच गए, यहाँ देखो पसीना तर अंतर हो गए, मरा रहे पसीना देख। जब भी तो कह रहा हूँ आप नहीं खाते, आप बच गए। गणेश मंदिर लेफ्ट भैया, अभी तो बहुत दूर जाना है। क्या है बंदर? बंदर कहाँ है? ले ले। है? ले ले। नहीं चार। दो चार बंदर भैया, इसको नीचे से ऐसे लेके आ रहा हूँ, थक गया यार मैं तो। सबसे ज्यादा मैं लेके आया हूँ, ये दो कदम चलते सब बोल जाओ है कि हमारे तो हाथ में दर्द हो रहा है, हमारे पैर में दर्द हो रहा है। पूरे रास्ते ऐसे लेके आए हम भाई। भैया मंदिर में आके झूठ बोलता है, मंदिर में आए कहाँ अभी? गाइस अब लेंगे भाई प्रसाद। मम्मी जी नी कौन सा गाना गा रही है? छोड़ी के भाग जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। लुचे लुचे भोग लगाऊंगी, गा रही है भाई। लंगूरों का इतना खौफ है, ये प्रसाद ना आगे ले जाने नहीं देंगे, तो हम सोच रहे हैं प्रसाद सारा यहीं बांट कर फिर चलते आगे। ठीक है ले प्रसाद, ले ली तुमने? रुक जा फिर यहीं बांट देते ना। तो मैडम ऊपर आ जाओ, मैडम ऊपर आ जाओ, ऊपर हेलो ऊपर आ जाओ, ऊपर मैडम ऊपर ले लो फोटो, ऊपर ले लो मैडम। और भाई अब चलते हैं नीचे, चलो भाई। हाँ बढ़िया बना, हाँ ठीक है टैग कर। तो गाइस अभी चल रहे हैं हम भाई सीधा। हेलो भाई, ये इसका गुड़गांव का रास्ता कहाँ से?
गुड़गांव का भाई सीधे जाके लेफ्ट हो जाना, सीधे जाके लेफ्ट हो जाना। चलते हैं भाई हम सीधा, वो बंदर कहाँ गया, उदयपुर, और फिर वहां से हमें किशनगढ़ भी तो जाना है ना, तो किशनगढ़ जाएंगे सीधा, और वहां पे भाई 2-2.5 घंटा हमें ना मतलब ट्रैवलिंग में। ये गुड़गांव का रास्ता कहाँ से है? ये देखो कहाँ से आ रहे भाई, गुड़गांव का रास्ता देखो, यहाँ से जो दीवार दिख रही है ना, यहाँ से आगे जाके लेफ्ट ले। तो भाई हो गया है 1.5 लाख का फायदा, ऐसे आसानी से कमाते हैं फोन। ओके भाई, मैंने हमारा फोन चोरी करा था ना, एक तो वो डिग्गी में पटक लिया हमने, और खूब धोया है, धर धर के मारा है, और 1.5 लाख के बाद देखो ये, देखो कैसे बंदर की तरह देख रहे हैं झांक के, भाई बहुत मारा हमने, बहुत मारा है, और इधर लाल कर दिया मार मार के, और जब 1.5 लाख का जो फोन था ना वो तो दिया ही दिया, ऊपर से 1 लाख रुपए और दिए उसने कि भैया मारो मत, 1 लाख रुपए ऊपर से ले लो, देख रहे हो आप, और देखो आप कैसे चुपचाप बैठा है, ये देखो कैसे चुपचाप बैठा बंदा। भाई अब चलते हैं सीधा चित्तौड़गढ़ या फिर उदयपुर, इन दोनों में से कहीं जाएंगे, पहले देखते हैं उदयपुर का रास्ता 7 घंटे का। भाई ये जो टनल है ना इस पहाड़ के बिल्कुल आर पार कर रखी है, देखना अभी इसी में से घुसेंगे अभी हम, ये भरतपुर के पास है क्या, बुंदी टनल ये पूरी इस पहाड़ के आर पार कर रखी है, देखो यार देखो। और हम इसमें घुस गए हैं, लाइट भी देखो ऐसी लगा रखी है ऑरेंज ऑरेंज सी, बढ़िया लग रही है ना। साइड में ये क्या लगा रखा है, टीन टीन से लगा रखी है आवाज के लिए, हमारा भाई व्यू देख के ना बौखला गया है, और भाई ये देखो यार जन्नत, हवा देखो ठंडी ठंडी आ रही, इधर गर्म है नी नी बाबा नी बाबा नी माँ, हाथ जोड़ लो ऐसे, हाथ जोड़ के फोटो शूट कराने जा रहे हैं हम, सोच रहे या तो यहाँ कराए या ऊपर की तरफ कराए, अभी कंफ्यूज है, और मैं अपने चश्मे लेने गया हूँ भाई, बिना चश्मों के यार मजा नहीं आएगा, किसी का तगड़ा ही एक्सीडेंट हुआ, देखो सब कुछ तोड़ ताड़ रखा है, ये तो नीचे पड़ी है सारी चीजें। भाई ये उदयपुर जाने का सबसे पहला टोल लगा हमारा अभी राजस्थान, भैया हम पहुंच गए, कुछ खाना पीना लेंगे यार होटल शिव कृपा, क्या हो गया तरुण भैया आपने कुछ ज्यादा कर रखे, मैंने तो देखो कम से कर रखे चले बाबू जी खा लिया, चले चलो तो फिर चलो एक और रख लेते हो, ठंडा आपने ले लो भाई, अपनी चाय आ गई और ये रही अपनी मट्ठी, कहाँ पे भाई, अच्छा यहाँ से कितनी दूर है उदयपुर, उदयपुर है यहाँ से 150 किलोमीटर, चलो ठीक है भाई थैंक यू यार, आ गया मैं, हाँ हाँ सारे आ गए यार, भाई चलते हैं अब, और ये भाई प्यारे भाई मिले हैं ये सारे, इन्होंने बढ़िया रास्ता बताया हमें, और ये होटल का खाना भी बढ़िया यार, और चलते भाई सीधा उदयपुर। तो गाइस हम पहुंच गए हैं, कितने बज रहे,
7.5 घंटा की निशु, 7.5 घंटे की ड्राइव में अब हम पहुंचे हैं। कहाँ पे इसमें लिखा ही नहीं है ना भाई, कितनी प्यारी प्रॉपर्टी है देखना। ये सारे विला बना रखे इन्होंने, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, 201 से 210 इधर, ये बीच में पूल। तो भैया अपनी गाड़ियां खड़ी हो गई और मच्छर देखो भाई कितने ज्यादा लगे, मतलब ये इस पे भी और उस पे भी। और हम चल रहे भाई सीधा अब होटल में, ये हमारा होटल है। अभी आए यार सामान लेने, गाड़ियां यहाँ खड़ी हो जाएंगी, पार्किंग इनकी यहाँ पे बहुत दूर है यार पार्किंग। तो चलो दंड में कुछ सामान तो लेना आपको, कन्फर्म है लॉक कर दूं? मैंने चार्जर दिया था अंकल जी मोबाइल का, ये लो गाइस। यहाँ पहुँचते पहुँचते होगी रात और अब जा रहे हैं हम खाना ऑर्डर कर लें, पहले खाना ऑर्डर कर देंगे ताकि हम फ्रेश व्रेश हो गए इतने, इन्हें रेडी कर देंगे। क्या सुबह ट्यूब में, ट्यूब के साथ भाई प्रॉपर्टी बहुत अच्छी है, मैंने सोचा नहीं था कि इतनी अच्छी है, क्योंकि हमने बाहर से देखी थी तो अच्छी लगी थी, अंदर के रूम वूम हमने ऐसे देख के मन के यार अच्छे नहीं होंगे,